दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की बेईमानी से हारा भारत, लेकिन भारत की होते हुए भी खुशी से झूम उठी सानिया मिर्जा ने हार पर कही आग बबूला कर देने वाली बात। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा मुंहतोड़ करारा जवाब की सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के बाद सानिया मिर्जा और हार्दिक पांड्या के बीच जो बहस हुई है वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर, और इस मुकाबले में भारत की टीम को 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां 246 रन बनाए थे, तो जवाब में उतरी भारत की टीम ने 436 रन बनाए। लेकिन इंग्लैंड ने फिर दूसरी पारी में 420 रन बनाए और यहां भारत की टीम दूसरी पारी में 202 रन पर ही ढेर हो गई, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और 28 रन से मिली इस हार के बाद अब इंग्लैंड की टीम 1-0 से सीरीज में बढ़त भी बना चुकी है। वहीं हम आपको अगर चौथे दिन के मैच के बारे में बताए तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए सबसे घातक बल्लेबाज रहे ओली पॉप, जिन्होंने 278 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौकों की बदौलत 196 रन जड़े। बाकी निचले क्रम के बल्लेबाज बेन फॉक्स, रिहान अहमद और टॉम हार्टली का भी बल्ला चला। लेकिन आज भारत के बल्लेबाज जब उतरे तो रोहित शर्मा को छोड़कर पूरी टीम धाराशाही नजर आई, कोई भी 30 का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। जी हां, आप यहां पर नजर डालोगे तो केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए, यशस्वी जायसवाल 15 रन, अक्षर पटेल 17, अय्यर ने 13 रन बनाए तो जडेजा 2 रन बनाकर, और श्रीकर भरत, रविचंद्रन अश्विन ने 28-28 रन की पारी खेली। लेकिन भारत की टीम 202 रन पर ही ढेर हो गई, और ढेर करने का एक ही गेंदबाज ने काम किया और वो थे टॉम हार्टली, जिन्होंने 7 विकेट लेकर पूरी तरह से भारत को धाराशाही करके रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम को हार मिली है और देश दुनिया भर में चर्चा ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भारत की होते हुए भी टीम इंडिया की हार पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही है सानिया मिर्जा। उन्होंने यहाँ पर खुशी से झूमते हुए कहा, आखिरकार भारत को अब अपनी हैसियत पता चल गई होगी जब उनको उन्हीं के मैदानों पर आकर इंग्लैंड की टीम ने हराया। मैं तो सालों से कह रही हूँ कि भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन कभी हो ही नहीं सकती, चाहे भारत कितना भी दम लगा ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भारत की टीम से कई गुना आगे हैं। हालांकि दूसरे दिन तक तो पूरा मुकाबला भारत के हाथ में था, लेकिन इन खिलाड़ियों को इतना घमंड पैदा हो जाता है कि इन्होंने तीसरे दिन और चौथे दिन जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वहां से हार तो बिल्कुल तय थी, और आखिरकार नतीजा भी वही हुआ जिसका अंदाजा मैंने पहले से ही लगा रखा था। भारत की हार से मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत अब आगे आने वाले 4 टेस्ट मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। और इस बार भले इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी भारत के दिए हुए पैसों से माने नहीं, लेकिन आगे जरूर मान जाएंगे। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि उनकी कप्तानी बहुत ही नॉर्मल दिखाई दी। हालांकि अगर मैं तो यह सोच रही हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत की इस टीम के आगे होती तो पाकिस्तान जैसी टीम भी भारत को मुझे तो लगता है 2 दिन के भीतर ही हरा देती उन्हीं के मैदान पर, क्योंकि ना तो रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा है, ना यशस्वी जायसवाल और बाकी बल्लेबाज जडेजा, अय्यर, केएल राहुल तो यहाँ बस टाइम पास करने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर सानिया मिर्जा को मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या कहते हैं, मैं भले टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अपनी टीम को चीयर करने में कभी भी पीछे नहीं रहता। अभी तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमारा सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली शामिल नहीं है, सोचो जिस दिन वो आ जाएगा टीम में तो इंग्लैंड की टीम को एक तरफा हराने का हम दम रखेंगे। विराट कोहली के आते से ही टीम कई गुना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर बातों पर यकीन ना हो तो लिख कर ले लो मेरे से अभी, और सानिया मिर्जा आप खुद भी देख लेना कि भारत की टीम कैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करेगी और बड़ी हार देगी इंग्लैंड को दूसरे ही दिन। तो दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने मुंहतोड़ करारा जवाब देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि हार्दिक ने जो कहा है वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जाते जाते अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने ऐसी T20 वाली बल्लेबाजी करी, ऐसे चौके व छक्के जड़े के देखकर रोहित तो क्या जड्डू भी दंग रह गए। अक्षर के इस अंतिम ओवर में तूफान को आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, अक्षर पटेल और हार्दिक पांडे और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत पर अंकुश लगाने के लिए बस एक पारी का इंतजार था,
वो भी जाते जाते हमें मिल ही गई। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने दूसरे दिन तक पहुंचा और तब तक इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 240 पर ऑल आउट हो गई थी। जसवीर जायसवाल 80 से ज्यादा रन लगाकर आउट हो गए थे और बाकी खिलाड़ी भी रन बनाने को तैयार थे। दोस्तों दूसरे दिन में मौका मिला तो केएल राहुल ने हाथ पीछे नहीं किया बल्कि आगे ही बढ़ाया। 123 गेंदे खेलकर इस जाबाज ने 8 चौके 2 छक्के जड़कर 86 रन बनाए। बीच में अय्यर 35 रन बना गए, पहले गिल 23 रन बनाकर गए थे, लेकिन जब बारी आई एक और पारी की और भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत पड़ी तो वो ऑलराउंडर काम आ गया, जिसे दोस्तों दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, अब बात रविंद्र जडेजा की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों जडेजा का साथ देने के लिए मैदान में अब श्रीकर भरत मौजूद थे और उस खिलाड़ी ने भी 41 रन बनाए, लेकिन 35 साल के जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं जो दोस्तों शायद 25-24 साल का खिलाड़ी भी ना कर पाए, और आज उन्होंने प्रूव भी किया। अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों जडेजा ने कोई T20 पारी नहीं खेली बल्कि एक टेस्ट के लिहाजा से पारी खेलते हुए ना 143 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर 51 का ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। इस खिलाड़ी ने 74 रन बना दिए थे और ये 74 रन ये मत समझिएगा कि बिना बाउंड्रीज के बन गए। आपको बताए दोस्तों कि जडेजा बाउंड्री लगाने में किसी से पीछे नहीं थे। जब भी कोई आउट होता चंडू के बल्ले से बाउंड्री निकलती और वो जवाब देते तुरंत। श्रीकर भरत के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों रविचंद्र अश्विन के रनआउट होने के बावजूद भी मैदान में दोस्तों जडेजा के चौके कम नहीं हुए थे। इनफैक्ट एक ही ओवर में उन्होंने टॉम हार्टली को 2 चौके जड़ दिए थे और 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर चड्डू ने एक 90 मीटर का छोटा छक्का भी लगाया था। दोस्तों जडेजा की यही 70 से ज्यादा रन वाली पारी ना भारत को उठाकर सीधा 400 तक ले गई और इंग्लैंड की टीम के ऊपर हमारी लीड 153 रन से भी ज्यादा की हो चुकी थी। चड्डू जो के 75 पर थे वो शतक तो पूरा कर ही लेते, इस बात में कोई शक नहीं था दोस्तों, और वैसे भी ये पारी किसी शतक से कम थोड़ी है। और दोस्तों ये पारी तो सबको याद रहेगी, लेकिन एक और पारी थी जिसने जाते जाते पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। हम बात करें अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने दोस्तों जाते जाते टेस्ट को T20 बनाकर ही छोड़ा। अंतिम ओवर की 3 गेंदों पर ना दोस्तों उन्होंने आखिरी 3 ऐसे शॉट लगाए जो इस मैच को छोड़िए पूरी सीरीज तक सबको याद रहेंगे। देखिए जडेजा तो 81 रन बना चुके थे और अंतिम ओवर चल रहा था। 110वें ओवर की बात है जब टॉम हार्टली गेंदबाजी कर रहे थे और पहली 3 गेंदों पर कुछ खास हुआ नहीं, बस अक्षर के पास स्ट्राइक आई थी, लेकिन इस बात से पूरी तरीके से बेखौफ होकर टॉम हार्टली गेंदबाजी कर रहे थे कि अक्षर कुछ कर भी सकते हैं। और फिर दोस्तों वो हुआ कि सब आंखें मलते देखते रह गए। अक्षर पटेल ने दोस्तों इस ओवर की 4थी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जो कि एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट था। उसके बाद दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मौका देखते हुए सीधा डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का भी चढ़ा और जो एक बाउंसर उन्हें मिली ना तो फिर वो मिड विकेट की तरफ से एक चौका भी लगा गए। यानी कि 3 गेंदों के अंदर अक्षर पटेल ने 14 रन जड़ दिया। अब इसे T20 ना कहें तो भला क्या कहें। 65 गेंदों में अक्षर पटेल ने 5 चौके एक छक्का लगाकर अपने खाते में भी 35 रन कर लिए और भारत 175 की लीड से आगे हो गया। दोस्तों अक्षर पटेल वाकई में कमाल के ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कैसे भारत जीत की तरफ एक और कदम बढ़ा गया ये सब आपने देखा ही, लेकिन किस तूफानी बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक और तोड़ दिए 200 साल से भी ज्यादा पुराने विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पर आपको पूरी यशस्वी जायसवाल की शतकीय बल्लेबाजी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड के साथ, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जब शुरू हुआ तो यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। हालांकि उनको ऐसा शुरुआत में तो लग रहा था कि बड़े स्कोर तक इंग्लैंड की टीम को पहुंचा देंगे, लेकिन यहाँ पर 246 रन पर पूरी टीम ढेर होती हुई नजर आई। इस बीच इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 70 रन की पारी बेन स्टोक्स के बल्ले से निकली, तो वहीं बेन डकेट ने 35 रन बनाए। बाकी कोई बल्लेबाज तो 30 का आंकड़ा तक छू भी नहीं पाया और यही हाल रहा जिसके चलते यहाँ इंग्लैंड की टीम 246 पर ही ढेर हो गई और भारत की तरफ से 3-3 विकेट जडेजा और अश्विन को मिले और 2-2 विकेट बुमराह और पटेल के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके स्कोर को बड़े पैमाने तक ले जाने की। इस बीच यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके
छह ओवर में सबसे पहले तो 50 रन की साझेदारी पूरी कर डाली, और जब ये साझेदारी पूरी हो गई तो भारतीय बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे। यहां पर रोहित शर्मा एक छोर पर चौके लगा रहे थे तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल छक्के चौके दोनों लगाने पर विश्वास जता रहे थे, और देखते ही देखते भारत का स्कोर 80 रन पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों जब रोहित शर्मा जैक लीच के अंदर आती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए तो यहां पर बेन स्टॉक्स के हाथों में वो कैच थमा बैठे, जिसके चलते रोहित शर्मा की 24 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद उतरे सुमन गिल, और दोस्तों यहां पर आज के दिन का मैच समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए, और टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड की टीम से 127 रन पीछे चल रही है। और दोस्तों आपको हम बताते हुए चले कि यहां पर यशस्वी जायसवाल ने आज धमाकेदार पारी खेली, जहां उन्होंने मात्र 70 गेंदों में 76 रन जड़ डाले और अपनी इस पारी में 9 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए, और अगर मैच थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो वो आसानी से शतक भी पूरा कर लेते। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यशस्वी जायसवाल ने आज टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, वो भी मात्र 28 गेंदों में। और दोस्तों इतना तेज पचासा लगा देने के बाद यशस्वी जायसवाल ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जी हां, आइए आपको बताते हुए चलते हैं, और अंतिम वाला रिकॉर्ड तो जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर जो पहला बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है यशस्वी जायसवाल का वो ये है कि यशस्वी जायसवाल ने 5 टेस्ट मैच अब तक खेले हैं, और 5 मैचों की 8 पारियों में यशस्वी जायसवाल 392 रन बना चुके हैं और 400 रन के करीब भी पहुंच गए हैं। हालांकि अगर यशस्वी जायसवाल ने यहां 413 रन 5 मैचों की 8 पारियों में पूरे कर लिए तो वो यहां सबसे तेज 400 रन का आंकड़ा छू लेने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के नाम पर मौजूद है, और तीसरे नंबर पर इस सूची में यशस्वी जायसवाल के पास आने का एक सुनहरा मौका है। हालांकि यहां पर यशस्वी जायसवाल ये रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो 5वां टेस्ट मुकाबला ही खेल रहे हैं और 8वीं पारी में वो अभी भी नाबाद बने हुए हैं। वहीं बात करें अगर आगे बढ़ते अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बनाया है वो ये है कि यशस्वी जायसवाल भारत के लिए सबसे तेज 50 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों में कपिल देव के बाद आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सब यहां पर देख सकते हो कि कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 1992 में कराची में जाकर 30 गेंदों में 50 रन जड़े थे। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग भी सूची में शामिल है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा 32 गेंदों में कर दिखाया था। हालांकि अब यशस्वी जायसवाल इस सूची में कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग और यहां तक कि तिलक रत्न, दिलशान, ब्रेंडन मैकुलम और पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उनसे आगे निकल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों यही एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड जो कि यशस्वी जायसवाल ने बनाए। लेकिन अब आप सभी की क्या राय है यशस्वी जायसवाल के इन रिकॉर्डों के बारे में, और आप उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले ही दिन में 76 रन चढ़ने के बाद रो पड़े यशस्वी जायसवाल, और मैदान से बाहर जाते जाते ना इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ रोहित के पैर छुए बल्कि उन पर कुछ ऐसा भी कह दिया कि सुनकर आप इन्हें 10 बार सलाम कर जाएंगे। यशस्वी जायसवाल के इस भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के अंदर भारत ना सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुका है बल्कि अपनी बल्लेबाजी से जीत की दास्तां भी लिख दी है आधी। दोस्तों बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड की टीम के नए कप्तान हैं, वो टॉस जीतकर टीम के लिए बल्लेबाजी चुनते हैं। मतलब में हमारे गेंदबाज जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए थे ना, वो चुन चुन कर इंग्लैंड की टीम के एक एक खिलाड़ी का शिकार करते हैं, और सबसे आगे इस रेस में विकेट लेने के मामले में अश्विन और जड्डू ही रहते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था तब दो दो तीन तीन दिन में मैच खत्म हुए थे, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जैक रोली और डकट का विकेट अश्विन ने 20 और 35 रन पर लिया। उधर ऑलीपॉप व रूट को आउट कर गए रविंद्र जडेजा, और जॉनी बेस्टो को 37 पर अक्षर पटेल ने क्या क्लीन बोल्ड किया, सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकाला। दोस्तों हमारे तेजतर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टोक्स को 70 रन पर क्लीन बोल्ड करके कुछ ही तरीके से 246 रन पर पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम सिमट गई। अब जब बात बल्लेबाजी की आई तो रोहित और जायसवाल जैसे ही मैदान में उतरे तो चौके और छक्कों की बारिश होने लगी। एक वक्त पर दोस्तों रोहित शर्मा 27 गेंदों में 3 चौके जड़कर 24 रन बना चुके थे, तो उधर यशस्वी जायसवाल ने तो 39 गेंदों में 50 ही ठोक दिया था। हालांकि फिर रोहित आउट हो गए और गिल कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा है। वो कैसे, आपको बता दें कि 70 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 108 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे के पूरे 76 रन बनाए।
और यही 76 रन की पारी इस मैदान में कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है और उनका नाम दर्ज करा चुकी है। दोस्तों ये कोई आम टेस्ट पारी नहीं बल्कि T20 जैसी बल्लेबाजी थी, लेकिन इसके बाद एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबका दिल मोह लिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के पैर छूते नजर आए और अब इस पूरे वाक्य पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। दोस्तों आपको बता दे यशस्वी जायसवाल ने इस पारी को रोहित को समर्पित कर उनके पैर छूने पर अपने बयान में कहा, जब आप मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा जैसे चैंपियन खिलाड़ी और कप्तान के साथ उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाता है। और मैदान में उतर कर मेरी और रोहित भाई की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी, उन्हें भी रन बनाने थे और मुझे भी, बस वो जल्दी आउट जरूर हो गए लेकिन मुझे वो साहस दे चुके थे जो एक बड़ी पारी खेल।